हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए वीवो की एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी थीम। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो अगर दोस्तों इस थीम को अपने मोबाइल में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस थीम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उस लिंक पे जाके आपने जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और जिप फाइल पे एक बार पासवर्ड मांगेगा, तो उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं पासवर्ड कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पासवर्ड मैं बोल कर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थीम को अप्लाई करके दिखा देता हूँ हमारी थीम किस प्रकार की होने वाली है। तो मैं अपनी आई थीम ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपनी थीम को अप्लाई कर देता हूँ। तो थीम अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ोन की लुक बिल्कुल अलग स्टाइल से चेंज ही हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं आइकन वगैरह बिल्कुल कलरफुल आ चुके हैं, और जो नीचे नेविगेशन की होती है ये भी बिल्कुल अलग स्टाइल में आ चुकी है। और ऊपर की तरफ देखिए आप, जो नेटवर्क के टावर होते हैं वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल आ चुका है उनका भी। और जो ये वॉल्यूम स्टाइल होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम की का स्टाइल होता है ये भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। और दोस्तों ये जो नेविगेशन की होती है इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ इसको कहाँ से चेंज करना है। तो जो नेविगेशन की होती है इस थीम के अंदर हमको तीन स्टाइल में अलग अलग स्टाइल में मिलने वाली हैं, तो इनको भी दिखा देता हूँ आपको कैसे इनको चेंज करना है और कहाँ पे होती है ये। तो सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो सेटिंग आइकॉन बिल्कुल कलरफुल आ चुके हैं ये भी। तो सेटिंग ओपन करने के बाद हमको सिस्टम नेविगेशन में चले जाना है। सिस्टम नेविगेशन में जाने के बाद आपने ऑर्डर एंड स्टाइल ऑफ नेविगेशन की पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थ्री स्टाइल में आप देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इस सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को दोस्तों बहुत ही अच्छी थीम लगी है। अगर आपको ये थीम अप्लाई करनी है तो मैं इसका पासवर्ड बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इस थीम का पासवर्ड है 555555। तो दोस्तों मैं पासवर्ड को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 555555। तो आपने ये पासवर्ड डाल के उस जिप फाइल में उसमें से ITZ फाइल को निकाल लेना है। तो एक एप्लीकेशन की ओर जरूरत पड़ने वाली है ES फाइल एक्सप्लोरर की, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है क्रोम ब्राउज़र से। वहाँ पे जाके आपने सर्च कर लेना है ES फाइल एक्सप्लोरर APK, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना और इसके थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने जो ये सो हिडन फाइल का ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपने जो जिप फाइल है ना उसको ढूंढ लेना है। डाउनलोड फोल्डर में आपको जिप फाइल मिलेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जिप फाइल पर और उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे आप तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड मैंने बताया उसको डाल लेना है और उसमें से एक ITZ फाइल निकल जाएगी। तो उस ITZ फाइल को इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस कर लेना है, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने कॉपी पे क्लिक कर लेना है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपने DWD का फोल्डर को ढूंढ लेना है और उसके अंदर चले जाना है, और जितने फोल्डर इसके अंदर है सभी को ओपन कर लेना है। और जब ये पांच फोल्डर एक साथ खुल जाएं तो T नाम के फोल्डर में जाके उस ITZ फाइल को पेस्ट कर देना है। उसको पेस्ट करने के बाद आपने नोटिफिकेशन पैनल को निकालना है नीचे की तरफ से, और जो ये थीम ऐप को यहाँ से रिसेंट में से हटा देना है। तो आपकी थीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। तो आपने अपनी थीम ऐप को ओपन कर लेना है। थीम ऐप को ओपन करने के बाद लोकल में जाना है, और लोकल थीम में जाने के बाद आपकी थीम है जो यहाँ पे डाउनलोडेड थीम में शो होने लगी, तो यहाँ से आप उस थीम को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इस तरह की वीडियो को देखने के लिए।